लंबे इंतजार के बाद आखिरकार रविवार से फिर 18 प्लस उम्र वालों को कोरोना वैक्सीन लगना शुरू हो गया है। इसके लिए शनिवार दोपहर में ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रतनपुर में कोविशील्ड की डोज आ गई थी। धर्मनगरी रतनपुर में 10 मई से 18 प्लस के युवाओं को कोविशील्ड का टीका लगना प्रारंभ हुआ था, जो एक ही दिन चला था। उसके बाद 17 मई से 24 मई तक टीका लगा था। टीका की कमी के कारण वैक्सीनेशन बंद करना पड़ा था, लेकिन फिर से 6 जून को वैक्सीन पहुंचने के उपरांत 18 प्लस युवाओं को टीका लगना प्रारंभ हो गया है। कोरोना से बचने के लिए टीका लगवाने के लिए उत्साहित युवाओं को पिछले 10 दिन से टीका आने का इंतजार था। आखिरकार यह इंतजार शनिवार को खत्म हो गया और रतनपुर में कोविशील्ड की डोज पहुंच गई, जिससे रविवार से बंद महामाया स्थित वैक्सीनेशन सेंटर को फिर से खोलकर पंजीयन करा चुके 120 युवा वर्ग का वैक्सीनेशन किया गया। रतनपुर से आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रतनपुर में महामाया मंदिर परिसर में 120 स्लॉट अपने को मिला है, जिनमें जो 18 उम्र के जो प्लस में जो लाभान्वित जो हितकार वो हैं उनको लगना है वैक्सीनेशन। और ये कल शाम को हमको इसकी जानकारी मिली कि सुबह आज इनको वैक्सीनेशन लगना है, और इसमें अब निरंतर आगे हम इस सेवा में रहेंगे जब तक इस वैक्सीनेशन का उपलब्धता अपने पास रहे। विगत दिनों जो लगा है उसके बारे में बताइए। पिछले 10 मई को एक दिन के लिए APL कैटेगरी में 120 स्लॉट आया था, आप उसके बाद कुछ कारणों से उस दिन बंद हो गया। फिर उसके बाद 17 तारीख से फिर निरंतर 24 मई तक कंटिन्यू ये लगता रहा 18 प्लस से 44 उसमें जो एज वाले ग्रुप हैं, और उसके बाद कुछ वैक्सीन की अनुपलब्धता के कारण इसको बंद कर दिया गया था। आज दिनांक 6 जून से फिर से निरंतर चालू है। रवि ठाकुर की रिपोर्ट।